भाई यही कुछ पुरानी घिसी पिटी सीरीज देखकर बोर हो चुके हो तो बस इस वीडियो के अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो में टोटल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस अडल्ट से भरपूर 10 ऐसी वेब सीरीज बताऊंगा जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और कुछ न्यू फ्रेश और हटकी सीरीज देखना चाहते हो तो एक बार तो इन सीरीज को देखना ही चाहिए आपको। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसा ही कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। नंबर 10 पे है हीरामंडी। भाई इस सीरीज को संजय लीला भंसाली ने बनाया है जिसने पद्मावत बाजीराव मस्तानी जैसी रॉयल फिल्में बनाई है, इसलिए इस सीरीज में भी आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, एक अलग ही नजारा देखने को मिलने वाला है। कहानी तब की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर में एक जगह है हीरामंडी नाम से जो कि फेमस है तवायफों के लिए। सीधी भाषा में कहूँ तो वो एक रेड लाइट एरिया है, लेकिन उसको आज के टाइम से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस कहानी की जान है उस हवेली में वाली कुछ तवायफे जिन्होंने वहाँ के नवाबों और सुल्तानों को अपने जाल में फंसा के रखा था। इधर कोठे में अलग ही दुनिया चल रही है और बाहर भारत आजादी के नारे चल रहे होते हैं। तो उसके बाद कैसे यहाँ की औरतें आजादी में अपना योगदान देती है ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। भाई इस सीरीज को बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है, इसी वजह से उस टाइम की हर एक चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। और खास बात, विजुअल्स इतने खास तरीके से देखने को मिलते हैं, आंखों को ठंडक सी मिलती है और हर एक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम आपको उस टाइम की फील देने में जरा भी नहीं चुकते। सीरीज स्टार्टिंग के 3 एपिसोड तक स्लो है, लेकिन तब तक आप सह नहीं पाओगे तो इस सीरीज को स्किप कर देना। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है टोटल 8 एपिसोड के साथ। आईएमडीबी रेटिंग 6.4, हर एपिसोड 45 मिनट लंबा है। नंबर 9 पे है गांठ। कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिसमें फैमिली के 6 लोगों ने खुद को फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि उन्होंने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई काले जादू का नतीजा है। तो बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने का काम अपने एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर गदर सिंह को मिलता है जिसकी खुद की जिंदगी के यल लगे हुए है। और इससे भी खास बात, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो इंटर्न है और साइकिक भी है। होता ऐसा है कि उसे इनडायरेक्टली सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है और इस केस में वो पुलिस के साथ है। तो क्या सच है क्या झूठ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है टोटल 8 एपिसोड के साथ। आईएमडीबी रेटिंग 7.8, हर एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है। सीरीज आपको 100% पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। नंबर 8 की सीरीज है द ब्रोकन न्यूज। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। सीरीज में हमें अवार्ड भारती और जस्ट 24/7 दो न्यूज चैनल्स बताए गए हैं जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। आवाज भारती चैनल जो हमेशा सच और पुख्ता सबूत के साथ न्यूज शेयर करता है, वही दूसरी तरफ जस्ट 24/7 इंटरटेनमेंट मिर्च मसाला लगाकर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज दिखाता है। इन दोनों न्यूज चैनल्स की रिवॉल्ट्री देखने के लिए इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीजन 2 की कहानी दिबांकर वर्सेस राधा भार्गव के ऊपर मेनली फोकस करती है, कैसे ये दोनों जर्नलिस्ट एक दूसरे की जिंदगी को तबाह करने में लगे हैं। बाकी सीरीज में सोशल सीरियस मुद्दे भी उठाए गए हैं जो इनडायरेक्टली निशाना लगाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पर। मिशन अम्ब्रेला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे घोटाले को अच्छे से जानना है तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं। सीरीज Zee5 पर अवेलेबल है टोटल 8 एपिसोड के साथ। आईएमडीबी 7.6, हर एपिसोड 30 से 40 मिनट लंबा है। नंबर 7 की सीरीज है इलीगल सीजन 3। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों सीजन एक दूसरे से कंपेयर करूं तो बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। वैसे तीनों सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पुराने 2 सीजन नहीं देखे तो पहले उन्हें देखो फिर तीसरा सीजन देखो। इस सीरीज की कहानी कोर्ट रूम ड्रामा पे बेस है जिसमें एक सनकी लॉयर है निहारिका जो जिसका केस लड़ रही होती है, अगर वो दोषी रहा तो वो उसको भी जेल में भेज सकती है। उसके उसूल ही कुछ ऐसे है, अगर कांड करोगे तो इस लॉयर से बच नहीं पाओगे, फिर सामने कोई भी वकील हो। उसके सामने है जनार्दन जेटली जो एक टाइम पे लॉयर हुआ करता था और उसी बंदे को निहारिका एक टाइम पे असिस्ट करती थी। अब वो सीएम बन चुका है। अब निहारिका को दिल्ली का सबसे बड़ा लॉयर बनना है तो वो एक ऐसे आदमी का केस लड़ रही होती है जिसपे खुद की वाइफ को पीटने का इल्जाम लगा हुआ होता है और एक दूसरा केस जिसमें एक लड़का जेल में खुद को जान से मारने का अधिकार मांग रहा होता है और अब तक उसके केस में किसी भी जज ने वर्डिक्ट नहीं दिया होता है। अब उसका केस निहारिका ही लड़ रही है। तो आखिर इन सारी चीजों का क्या असर होता है, क्या एंडिंग होती है, किसे इंसाफ मिलता है या नहीं भी मिलता, जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आपने इसके दोनों सीजन देख चुके हैं और आपको कोर्टरूम ड्रामा देखना पसंद है तो इस सीरीज को देख डालो। सीरीज जियो सिनेमा पर अवेलेबल है टोटल 8 एपिसोड के साथ। आईएमडीबी रेटिंग 7, हर एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है।
नंबर 6 की सीरीज है लुटेरे। ये सीरीज मेनली फोकस करती है समुद्री लुटेरों पे। इस सीरीज को हंसल मेहता के बेटे जय मेहता ने बनाया है। समुद्री लुटेरों पे बनी ये सीरीज वाकई में बहुत ही खास है। जरा सोचो, आप एक शिप में हो बीच समुद्र में और उस शिप को लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है और उनके पास गन्स और हथियार भी है, तो आखिर कैसे आप खुद की जान बचाओगे? तो बस कुछ ऐसी ही है इस सीरीज की कहानी। सीरीज का मेन प्लॉट है, इस शिप को कुछ सोमालियन लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है और अब वो इस शिप को सोमालिया ले जा रहे होते हैं। इस शिप को सिर्फ दो लोग बचाना चाहते हैं, एक शिप का कैप्टन और एक दूसरा बिजनेसमैन। कैप्टन जो शिप के क्रू को और खुद को बचाना चाहता है, और बिजनेसमैन इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि इस शिप में उसका कुछ कीमती सामान है जो उसे सही सलामत चाहिए। तो बस पूरी सीरीज इसी पे बेस है और सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पर टोटल 8 एपिसोड के साथ। IMDb रेटिंग 7.1। हर एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है। नंबर 5 की सीरीज है शो टाइम। अगर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड फिल्मों के बारे में इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है फिल्में कैसे बनती है, फिल्मों की प्रोमोशन, मार्केटिंग, फिल्म इंडस्ट्री के भयानक काले राज जो पब्लिक नहीं जान पाती, वो सब कुछ जानने का शौक रखते हो, तो इस सीरीज को गलती से मिस मत करना। तो कहानी है एक स्टूडियो की, विक्टर स्टूडियो, जिसने एक समय पे एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ये स्टूडियो फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में बनाया जा रहा है। तो इस स्टूडियो का जो मालिक है वो स्टूडियो को अपने बेटे को ना देते हुए किसी एक लड़की को दे देता है, तो वही से कहानी रफ्तार पकड़ती है। सीरीज का बजट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। सीरीज का प्लस पॉइंट है कि ये सीरीज आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं फील होने देती। सीरीज में द लॉर्ड इमरान हाशमी है, तो इसे प्लीज अकेले में ही देखना क्योंकि इसमें भर भर के गाली और अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पे टोटल 8 एपिसोड के साथ। IMDb रेटिंग 6। हर एक एपिसोड 30 से 45 मिनट लंबा है। नंबर 4 की सीरीज है रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। तो ये सीरीज एक स्पाई थ्रिलर सीरीज है। कहानी शुरू होती है 2019 से, जो आपको लेकर जाती है जब पाकिस्तान के आर्मी ने पुलवामा के CRPF प्लेन पे हमला कर दिया था और इंडिया के कुछ जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इंडिया कैसे बदला लेता है और किस तरह एयर स्ट्राइक का पूरा मिशन सक्सेस होता है, बस यही इस सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा या देखा भी नहीं होगा। वो कौन से इंडियन स्पाई एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान की न्यूज इंडिया को दी थी, और कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किया था। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा था कि उसने पुलवामा पर हमला किया ही नहीं, और दूसरी तरफ इंडिया एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा था। इस सीरीज के मेन टू लीड है, एक इंडियन स्पाई एजेंट जिम्मी शेरगिल और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव कैरेक्टर में आशुतोष राणा, और साथ ही इस सीरीज में कैसे अभिनंदन को इंडिया वापस लाया गया था, ये स्टोरी भी डिटेलिंग में देखने को मिलती है। सीरीज अवेलेबल है जियो सिनेमा पर टोटल 9 एपिसोड के साथ। IMDb रेटिंग 8.2। हर एक एपिसोड 45 से 40 मिनट लंबा है। नंबर 3 की सीरीज है मर्डर इन माहिम। मर्डर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। मुंबई में एक जगह है माहिम रेलवे स्टेशन, वहाँ एक टॉयलेट में मर्डर हुआ होता है। पूरी सीरीज में ऐसे ही मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम विजय राज करता है। जिस टॉयलेट में मर्डर हुआ है वो टॉयलेट फेमस था गे सेक्स के लिए, और जिसका भी मर्डर हुआ है वो LGBT कम्युनिटी के लोग थे। कहानी में एक और कैरेक्टर है जो जर्नलिस्ट पीटर फर्नांडिस, जो पुलिस के साथ मिलकर खुद भी इस केस को सॉल्व करने में लगा होता है कि इस केस के साथ उसके भी कुछ लिंक्स जुड़े हुए हैं। खास बात यह है, वो पुलिस वाला और ये जर्नलिस्ट पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। और अगर ये दोनों साथ मिलकर केस सॉल्व करते हैं तो केस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन वो कौन मर्डरर है जो गे लोगों को निशाना बना रहा है, वो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज अवेलेबल है जियो सिनेमा पर टोटल 8 एपिसोड के साथ। IMDb रेटिंग 8। हर एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है। नंबर 2 की सीरीज है बैड कॉप। हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये एक मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज के मेन लीड है गुलशन देवैया, अनुराग कश्यप और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। कहानी है एक चोर, एक पुलिस, एक CBI ऑफिसर और एक मर्डर की। कहानी घूमती है करण और अर्जुन के अगल बगल। करण एक पुलिस वाला है और अर्जुन एक चोर या बहरूपिया भी कह सकते हो। ये दोनों जुड़वा भाई है और सेम टू सेम दिखते हैं। आगे कहानी में एक मर्डर होता है जिसमें मेन सस्पेक्ट अर्जुन है। जेल में एक गैंगस्टर है जो अर्जुन की के पीछे पड़ा हुआ है। तो इन सभी कैरेक्टर्स की कहानी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सभी एक ही कहानी में कैसे फिट बैठते हैं और वो मर्डर आखिर किया किसने, इन सभी सवालों के जवाब सीरीज देखकर जान लो। सीरीज अवेलेबल है हॉटस्टार पर टोटल 8 एपिसोड के साथ। IMDb रेटिंग 6.4। हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है।
नंबर वन की सीरीज है इंस्पेक्टर ऋषि। अगर आपको सुपर नेचुरल हॉरर मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच साबित होगी। तो कहानी है एक जंगल के पास बसे एक गांव की। उस गांव में एक के बाद एक डेड बॉडी पेड़ से चिपकी मिलती है और हर बॉडी को एक मकड़ी के जाल ने अच्छे से कवर किया होता है। लेकिन गांव वालों का यह मानना है कि जंगल में एक भूतनी है जिसका नाम है वंशाची और ये सब मर्डर्स उसी ने ही किए हैं और जल्द ही वो पूरे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगी, ऐसा गांव के लोगों को लगता है। इन मर्डर्स को देखकर गांव वालों की रातों की नींद उड़ जाती है। तभी कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर ऋषि की, जो दिमाग से मास्टरमाइंड है और हर चीज को साइंस और फिजिक्स के हिसाब से देखता है। तो मिस्ट्री ये है कि क्या इंस्पेक्टर ऋषि इन मर्डर्स के पीछे की सच्चाई पता लगा पाएगा और उस जंगल की भूतनी का क्या रहस्य है, इन सारी चीजों को कैसे ऋषि हैंडल करता है, लेकिन कौन है इस साजिश के पीछे, कोई भूत, कोई इंसान या कोई जानवर, जानने के लिए सीरीज देखो। सीरीज अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पर टोटल 10 एपिसोड के साथ। हर एपिसोड 45 मिनट लंबा है। सीरीज की हिंदी डबिंग टॉप क्लास के साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।